बताया था कि हमने मैरिनेट करके रखा था, तो हम धीरे धीरे इसमें तो हमें इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, हल्का हल्का बस आग को करना है और कोशिश करें कि इसे बड़ी तेज आग नहीं करें, तो इट विल बी वेरी नाइस और इसकी स्किन भी बाहर से और अंदर से कुक हो जाएगी। और सेकेंडली ये जब हम इसको करी में बनाएंगे तो ये घुल नहीं जाएगा, ये स्टिक टू बोन्स रहेगा। इसका सबसे बड़ा प्री कुकिंग का बेनिफिट ही यही है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि हमने इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, ये काफ़ी हद तक कुक हो गया है। दोस्तों मैं अब आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे ये हल्का कुक किया है हमने और हल्का फ्राई किया है। इनफैक्ट इसकी स्किन देखो बहुत ही अच्छी लाजवाब। अब मैं थोड़ी सी लेग्स को कुक करूँगा। जानवी जी से रिक्वेस्ट है कि बी केयरफुल। दोस्तों कईयों का सजेशन मेरे पास आता है कि इसमें हम एग भी बाइंडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए इसको यूज़ नहीं करना चाहता। एग को बाइंडिंग के लिए सिर्फ अदरक लहसुन के साथ फिश में यूज़ करते हैं, तो उसकी स्किन लेयर बनाने के लिए ये एक्सल करी बनेगी और प्यूरी में, तो इसलिए हमें इसके लिए एग बाइंडिंग नहीं यूज़ करनी और कवर कोटिंग के लिए। दोस्तों वैसे मैं आपसे कुछ और शेयर करना चाहता था, क्योंकि अगर इसको एज स्नैक्स के तौर पे खाना है तो स्नैक्स के तौर पर भी इसे अच्छी तरह कुक करके खाया जा सकता है। सिंस वी आर डूइंग अ हाफ वे हाफ कुकिंग, तो इसलिए ये तो नहीं, लेकिन इसको भी अगर हम अच्छी तरह कुक कर लें तो इसे स्नैक्स के तौर पर खाया जा सकता है। तो एक स्टिल फोटोग्राफी भी की जाए इसकी, वेरी नाइस, होपफुली इट इज लुकिंग यम्मी। तो जैसे कि 3 लेग्स हो गई थी, 4th लेग्स है, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉमेडी हमारे पास एक फ्रैक्चर लेग भी है, जिस बेचारे कुकर की
1 glass fractured. So just enjoy that also. For humor sake, I am sharing my experience. So अब ये हमारी 6 legs हो गई है। दूसरे पोर्शन को भी मैं साथ ही रोस्ट कर लेता हूँ। मैं जानवी से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार मैं मसाले की शक्ल दिखा दूँ, फिर उसके बाद हम मसाला बंद कर देंगे। देखो दोस्तों, जैसे कि इसने घी अपना छोड़ दिया है तो काफ़ी हद तक पक गया है। बाकी अब हम इसको बंद कर देंगे, थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब ये थोड़ा ठंडा होने के बाद, ग्राइंड होने के बाद दोबारा पकेगा, और उसके बीच में हम जो फ्राइड चिकन है वो ऐड करेंगे। मीन ऑयल प्लीज़ वेट, जब तक हम चिकन को फ्राई कर लें और ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो हम अब इसको बंद करने जाएंगे। दोस्तों, लास्ट के जो 2 pieces होंगे मैं आपको वो स्नैक्स के तौर पर थोड़ा फ्राई करके दिखाऊंगा, एंड वी विल आल्सो ट्राई दैट आल्सो। तो मैं आपको रियलिटी में बताऊंगा कि वो कैसा टेस्ट लग रहा है। तो दैट यू कैन यूज़ एज अ स्नैक, स्नैक्स विद ड्रिंक्स। ये बहुत ही इजी और बेस्ट रेसिपी है। तो जैसे मैंने आपको ह्यूमर के लिए बोला था, ये एक इसमें फ्रैक्चर्ड लेग भी है। तो आई सजेस्ट जानवी जी की प्लीज़ फोकस ऑन दैट ऑल्सो, दिस इज अ फ्रैक्चर्ड लेग पीस। जो टंगड़ी को पकड़ कर खाने का स्वाद होता है वो शायद कुछ लोग इस पीस में मिस करेंगे। तो दोस्तों, ये फाइनल पीसेस फ्राई होते हुए अब हमने 1.5 kilo चिकन को फ्राई कर दिया, और दूसरी तरफ मैंने हल्का सा काजू एंड ग्राउंड नट मूंगफली को पेस्ट बना लिया है।
तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, वो तो मसाले के साथ मिक्स कर कर उसे भी दोबारा भुना जाएगा, फिर उसके बाद ये फ्राइड चिकन को उसमें ऐड कर दिया जाएगा। दोस्तों इसमें ग्राउंड नट और अपने काजू हैं, तो मैंने इसको हल्का ग्राइंड किया है, इसको अच्छी तरह ग्राइंड करके पेस्ट बनाया जाएगा। हल्का सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मसाला काफ़ी हद तक ठंडा भी हो गया, दूसरी तरफ हमारा चिकन भी फ्राई हो गया है, तो मैं अब इसको जार में मिक्स करूँगा। इसमें हमने कैश्यूज़ और ग्राउंडनट का पेस्ट ऑलरेडी बना लिया है, और कैश्यूज़ और ग्राउंडनट को इसलिए डाला है बाद में ताकि इसको ओवर कुक्ड ना किया जाए। ये पेस्ट बड़ा सॉफ्ट होता है और इसको ज़्यादा ओवर कुक्ड ना किया जाए। दोस्तों ये मसाला थोड़ा गर्म है, आई सजेस्ट कि जो भी आप ये रेसिपी को ट्राई करें तो ज़रा ध्यान से करें, तो मसाला गर्म होने के कारण आपको कोई चोट या कोई हादसा ना हो जाए। While grinding this masala, we can add up a little bit water also. मैं अभी इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि उसमें cashews और groundnut है, वो अगर properly ना grind हुई तो वो ज़्यादा पानी के कारण grind नहीं होगी। तो अभी एक बार वो थोड़ी हल्की grind हो जाए, then we will add a little bit of water also. मैं हाफ ग्लास water ऐड कर दिया है, तो उसमें सिनेमन और काफ़ी चीज़ें जो मसाले डाले थे, खड़े मसाले, वो सॉफ्ट हो चुके हैं, और सॉफ्ट होने के बाद मतलब हाफ कुक्ड होने के बाद अब हम इसको ग्राइंड करके दोबारा बेक करेंगे, दोबारा पकाएंगे। तो आई विश कि ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा एंड इट विल बी वेरी लवली एंड टेस्टियस डिश। हमारा मसाला हाफ कुक्ड होके उसके बाद ग्राइंड हो चुका है। नाउ वी हैव एड अप ओवर देयर द ऑयल भी हीट कर चुका है, तो अब हम इसमें से मसाला हल्का हल्का धीरे धीरे डालेंगे। दोस्तों अभी आपने देखा कि इसमें जो ग्राइंड किया हुआ कैश्यूज़ और ग्राउंडनट और हमारा हाफ कुक मसाला, तो वी आर नाउ एडिंग अप इन दिस। अभी मैं इसको इसलिए उतार रहा हूँ, इसको पानी नहीं लगने चाहिए, पानी लगने से मसाले में वो बाइंडिंग नहीं आती और वो सही नहीं होता। अभी आप देखोगे कि ये जैसे कि ये कुक्ड हो चुका था तो इसने पहले से ही अपना घी तेल छोड़ना शुरू कर दिया। मैं थोड़ी आंच स्लो कर देता हूँ, थोड़ा थोड़ा नीचे लगना शुरू हो गया है। दोस्तों अभी आप इसमें देख रहे हैं कि ग्रेवी
काफ़ी अच्छी बन गई है, ये हाफ कुक है। और हमने इसके बाद हाफ कुक करने के बाद इसको ग्राइंड कर लिया है और दोबारा इसको हमने इसको गैस पे और बर्नर पे रख दिया। इसको हल्का हल्का हिलाते रहेंगे क्योंकि इसमें कैश्यूज और ग्राउंडनट अभी कच्चे हैं और अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो सबसे पहले नीचे चिपक जाएंगे। जब तक उसको हल्की सी आंच नहीं लग जाती तब तक हम इसमें पानी भी ऐड नहीं करेंगे। अब आप उसमें देखेंगे कि हमने जो तेज पत्ता और खड़े मसाले और सिनेमन और जो सिनेमन मींस दालचीनी जो थी आपकी वो उसमें डाली थी और वो बिल्कुल ग्राइंड हो चुकी है। वो उसका बहुत ही सुंदर खुशबू और बढ़िया सा टेस्ट आकर आ रहा है। जैसा मैंने आपको कहा था कि इसका रंग भी बहुत अच्छा होगा। तो अब हम इसको पकाने के बाद हल्का सा मसाला इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। बस दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है कि अब इसको हल्का हल्का आंच पे रखना है और इसको हिलाते रहना है 5-7 मिनट। इसकी रीजनिंग है कि कैश्यूज नीचे ना लग जाए तो आपको वो कड़वा टेस्ट देंगे। और अभी आपको इसमें पानी भी ऐड नहीं करना। जब 5-7 मिनट हो जाएंगे तो हम इसमें से पानी ऐड कर इसको ढक कर 5-7 मिनट कुक करेंगे। तो दोस्तों देखिए अब हमने हल्की सी ग्रेवी पक गई है और उसमें हमने हल्का सा वाटर भी ऐड कर दिया है। बेसिकली जो हमारी मिक्सचर जार के अंदर उसका पार्ट्स वेस्ट जो बचा हुआ था उसी के साथ पानी मिक्स करके हमने इसको एडअप कर दिया है। अब इसको हम धीरे धीरे धीमी आंच पे पकाएंगे और आफ्टर 5 मिनट्स इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे जो कि हल्का सा फ्राई किया हो। तो आफ्टर 20 मिनट्स इट विल बी रेडी टू ईट। आई नो ये थोड़ी मेहनत वाली चीज़ है, दैट्स वाई आई एम ऑप्टिंग फॉर द संडे एंड हॉलीडेज। और आज खुशी भी डबल है कि इंडिया अपना जिम्बाब्वे से तो जीता ही है और सेमीफाइनल में भी एड अप हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ फाइट विद इंग्लैंड। चलो जी अभी मिलते हैं आफ्टर 2-3 मिनट्स। बस आपने हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। जब आपने इसको स्टीम में भी कुक करना है तो धीमी आंच कर देनी है ताकि ये नीचे ना लगे और ये स्टीम में ही कुक हो। और अभी देखिए इसकी ग्रेवी की थिकनेस, बाद में एंड में आप ग्रेवी को जब चिकन पक जाएगा अपने अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। अगर कोई रोटी चपाती के साथ खाएगा तो उसे थिक ग्रेवी अच्छी लगेगी, जबकि अगर आपको इस पर राइस के साथ चेरिश करना है, इन्जॉय करना है, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंगली हल्की पतली भी कर सकते हैं। दोस्तों अब हम मिलते हैं आफ्टर 2-3 मिनट्स। अब मैं इसको ढकने लगाऊँ ताकि ये इसको अच्छी तरह स्टीम में ये प्रॉपरली कुक्ड हो जाए। अगर कोई कसर रह गई है तो वो भी कुक होगी। थैंक यू वेरी मच। ये काफ़ी अच्छी तरह पक चुकी है लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी कसर है। तो जैसे कि मैंने मैरिनेशन के वक्त भी नमक मिर्च डाला था मसाला और पहले भी मसाले में डाला था, लेकिन अभी भी इसमें मुझे फील हुआ है कि थोड़ा सा नमक मिर्च और ऐड कर देना चाहिए। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं, बट एज़ पर माई एक्सपीरियंस आई नो इट इज़ अ गुड स्टेज टू ऐड, ताकि जब ये चिकन पके तो उसके अंदर ये फिक्का फिक्का ना रहे, थोड़ा जूसी ही हो जाए। इसमें अभी मैं थोड़ी सी काली मिर्च भी डालूँगा। वैसे काली मिर्च बिल्कुल एंड में डालते हैं
लेकिन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग किसी भी स्टेज में डाल सकते हैं। हाँ, मैंने अभी थोड़ा सा चिकन मसाला रखा हुआ है, वो मैं बिल्कुल एंड में जब बन जाएगा तब डालूँगा। इट एनहांस द टेस्ट एंड एज वेल एज उसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो अब हमने इसको 3 स्टेजेस में नमक मिर्च मसाले ऐड कर दिए। फर्स्ट मैरिनेशन में, सेकंड मसाला जब हमने प्री कुक किया था चॉपिंग के बाद, और अब हमने फाइनल स्टेज में इसमें नमक मिर्च मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दिए। तो अभी मैं इसको 5 मिनट वेट करने के बाद पीसेस जो हमने फ्राइड करके रखे हैं, मैं चाहूँगा कि जानवी जी एक बार दिखाएं ज़रूर। ये हमारे पीसेस हैं जो हमने मैरिनेट करने के बाद कुक किए थे, फ्राई किए थे। अब मैं इसको धीरे धीरे ऐड करूँगा। दोस्तों, अभी मैं एक एक पीस करके अब इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये अभी से ही चिकन काफ़ी टेंडर हो गया है। ये भी एक रेसिपी होती है कि आप इसको थोड़ा सा हाफ फ्राई करके थोड़ी हवा लगवा लें, तो हवा लगने के बाद ये इसमें से जो भाप होती है और ये कच्चापन होता है वो निकल जाता है। तो इट विल बी नाउ वेरी नाइस। मैं एक बार हिला देता हूँ, फिर उसके बाद बाकी पीसेस को ऐड करूँ। दोस्तों, आपको कलर के अकॉर्डिंग आपको होटल वाली फीलिंग आ रही होगी, एंड आई विश कि ये बहुत ही अच्छा यम्मी चिकन बनने जा रहा है। फ्राई करने का एक ये भी आइडिया होता है कि जब हम इसको स्टेप करते हैं, स्पैचुला के साथ खिलाते हैं, तो उसके पीसेस टूटते नहीं हैं, उसमें एक बाइंडिंग सी बनी रहती है। सो अगेन शेयरिंग द फ्रैक्चर्ड लेग, द फुल लेग। जो फ्राइड चिकन था वो उसमें ऐड अप कर दिया है, और ये अब इसमें 20 मिनट्स लगेंगे। अभी हमने स्टेज पे इसमें पानी नहीं डालना ताकि ये इसके अंदर अच्छी तरह मिक्सअप हो जाए, जूसेज ऐड अप हो जाए, मसाला इसमें घुस जाए अच्छी तरह। अगर हम इसमें ऐड कर देंगे पानी तो वो उसमें कच्चापन सा रहेगा। मैंने इसकी आंच काफ़ी तेज की हुई थी, तो अब धीरे धीरे हम इसकी आंच को, फ्लेम को धीरे कर देंगे और इसको एक बार आगे लिखा दिया जाए। तो दोस्तों, अब हम इसको 5 मिनट बाद टर्न अप कर रहे हैं, तो यू कैन हैव अ लुक। इसमें काफ़ी स्लेक्स लगाए हुए हैं, तो ये जूसीनेस इसके अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। तो आफ्टर 5 मिनट्स और अच्छी तरह कुक होने के बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और 10 से 15 मिनट का बॉयल रखेंगे, एंड आफ्टर दैट इट इज़ रेडी टू ईट। अभी आप देख सकते हैं, जैसे मैंने पहले मेंशन किया था,
इफ़ अ पर्सन लाइक्स विद चपाती और लच्छा परांठा देन दिस थिक ग्रेवी इज़ वेरी नाइस. अदरवाइज वी कैन हैव लिटिल बिट लाइट ग्रेवी फॉर अवर राइस. दिस इज़ अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. ओके जी, वेट फॉर अनदर 5-10 मिनट्स. तो अब हमारे 5-10 मिनट्स हो चुके हैं और ये धीमी आंच पे है, होपफुली ये नीचे नहीं लगा होगा. तो इसकी जो ग्रेवी है उसकी काफ़ी अच्छी थिकनेस है. अब हम इसमें धीरे धीरे गर्म पानी करेंगे और गर्म पानी ऐड कर देंगे. तो इसको 10-15 मिनट्स बॉयल आने के बाद काफ़ी अच्छा चिकन बन जाएगा. अभी मुझे याद है मेरे यूथ टाइम में आई हैड विजिटेड तहल सिंह एंड सिंह चिकन. वो तवे के ऊपर चिकन बना कर देते थे, तो मुझे आज चिकन तवा की फीलिंग आ रही है. एंड जस्ट टू रिमाइंड यू कि दिस इज़ अ मंथ ऑफ माई डैड्स बर्थडे. सो on the coming next week we will celebrate that too also. Or I think this is his 7th death anniversary also. Mujhe bada afsos hota hai, he used to be my best friend. I share many things with him. Anyways, that we will discuss in coming birthday celebrations. तो मैं आपको बता रहा था कि सिंह चिकन, तहल सिंह चिकन, तो वो तवे पे चिकन बना कर देता था और हम उसके पास कीमा कलेजी भी खाने जाते थे. तो कीमा नान खाने जाते थे. तो उसके पास थोड़ी सी ग्रेवी भी देता था और साथ में हम इसका तवा चिकन ट्राई करते थे. वो बिल्कुल सिमिलरली वो तवा चिकन गाढ़ी गाढ़ी तरी. तो मुझे आज वही फीलिंग, वही मेरे डैड और वही एक पुरानी यादें आ रही हैं. एनीवेज, पे माय रिगार्ड्स टू माय डैड. आई लव यू डैड जहाँ भी हो. तो सच में मुझे आज अपने डैडी की भी याद आ रही और सिंह चिकन और तहल सिंह के चिकन की भी याद आ रही. आई डोंट नो आज वो एग्जिस्ट भी करते हैं या कैसी क्वालिटी देते हैं. तो आई विश कि कमिंग वीक मैं और जानवी वहाँ एक बार टेस्ट करने ज़रूर जाएंगे, जस्ट टू चेरिश माय चाइल्डहुड यू कैन से. जैसे जानवी मेरी एज की, उस एज मेरी एज थी जो जानवी की आज एज है, मैं अपने डैड के साथ जाता था. तो आई वाज आई थिंक 10th और +1 +2. तो मैं भी एक बार दोबारा जानवी के साथ ज़रूर जाऊंगा वहाँ पे और उसको एक बार टेस्ट करेंगे और हो सका तो बड़े भाई साहब गोल्डी धर्मेंद्र शर्मा को भी साथ लेकर जाऊंगा. लव यू ऑल. शर्मा परिवार से प्यार बढ़ाएं. आई लव माय फैमिली. थैंक यू. काफ़ी इसमें हमने लगा लिया है भाप से. अब इट इज़ नाउ टाइम टू ऐड हॉट वाटर. सो आई एम मिक्सिंग नाउ सम हॉट वाटर ओवर इट ताकि उसमें अच्छी तरह बॉयल आ सके. होपफुली बनाने वाले को भी आप लाइक करोगे. थोड़ा सा जानवी जी मेरे को इग्नोर करते हुए. सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ जस्ट ह्यूमर. लाइफ में ह्यूमर और इन्जॉयमेंट होती रहनी चाहिए. तो अभी हम इतना ही पानी डालेंगे एंड दिस वाटर विल कीप ऑन बॉइलिंग और इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे.
पंजाबी च कहने बिच ही कोचा दोस्तों, अब आपने देखा है कि मैंने इसको सिर्फ डुबोया है, तो उस तरफ जानवी जी दिखाएंगे कि अभी पानी और भी बॉयल हो रहा है, लेकिन अभी हमें एक बार में ही सारा पानी नहीं डालना, ताकि ये थोड़ा थोड़ा इसके अंदर मसाला सोक हो जाए, तो बाद में इसको अकॉर्डिंगली हम तरीके अकॉर्डिंगली डालेंगे। एंड आई विश इट विल बी वेरी डिलीशियस। Those who are going to cherish it today night and having a dinner with me, you all are requested to please comment how it was and how it will be. क्योंकि as per the video, जबकि कल या परसों डाउनलोड होगा अपलोड होगा सॉरी तो it will be in a past tense. तो I will definitely would like to know how they like the chicken on Sunday, and probably this will be going to upload by 8 tomorrow. Those who have not subscribed to my channel, please subscribe, like and share. NKS Unplugged. Now we need to wait for 5-10 minutes. तो दोस्तों, अब इसमें काफ़ी अच्छा बॉयल आ गया है और होपफुली काफ़ी अच्छी तरी भी बन गई है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू टेस्ट कि इसमें नमक मिर्च कोई ज़्यादा कम तो नहीं हो गया है। तो आपके लिए एक बिना जाने ही एक टिप दे दूं, तो टिप ये है कि अगर तो कम है देन यू कैन इजीली ऐड, नाउ यू विल लाफ, बट अगर आपसे ज़्यादा हो गई है देन व्हाट टू डू, देन बॉयल वन पोटैटो एंड काइंडली डिप इट इन दिस। जितना भी एक्सेसिव जो सॉल्ट और मसाला होगा वो आलू पोटैटो सारा सोक कर लेगा। आफ्टर दैट उसको प्लक करके आप बाहर रख दें और चेरिश डैट योर फूड। तो इसमें एक्सेसिव जितना भी सॉल्ट होगा वो निकल जाएगा। दोस्तों, जो हमने इसको वो किया था लिटिल बिट फ्राइड, उसका मतलब ये था कि उसकी स्किन खराब ना हो, स्किन घुले ना। तो मैं जानवी को कहूँगा, तो देखो ये खड़ी खड़ी सी इसकी एक लेग है, कोई भी पीस ले लोगे तो वो हड्डी नहीं रह जाएगी, जो घुल सा जाता है घुलेगा नहीं। आप चाहे 10 बार उसको गर्म कर लो वो घुलेगा नहीं, ठीक है जी। तो मैंने बहुत से होटलों में खाना खाया है, तो उसमें आई नोटिस दैट कि कई बार वो घुला हुआ ही होता है। इनफैक्ट मेरे जो एक तरह के गुरु हैं वो हमारे हैं विनोद कुमार माड़िया जी, शिव शक्ति वाले, तो ही इज़ माई मेंटर, ही गाइड मी वेरी वेल, ही इज़ द बेस्ट शेफ, आई लाइक हिज चिकन एंड ऑल थिंग्स वेरी नाइस। ही यूजली शेयर विद मी कि जो हम होटल में खाना खाते हैं, चिकन खाते हैं, वो पहले बॉयल कर लिया जाता है, वो बॉयल करके उसका स्टॉक बाहर निकाल लिया जाता है, जिसको कि बाद में सूप के टॉप तरह सर्व किया जाता है, और जो चिकन होता है वो तकरीबन कुक्ड हो चुका होता है, वो एक तरह आलू बन गया होता है पोटैटो। उसको जस्ट तड़कों के मसालों के सहारे लोगों को परोस दिया जाता है। आई एम नॉट ब्लेमिंग एवरी होटल, बट दिस इज़ द रियल ट्रुथ ऑल्सो। दैट्स वाई आई लाइक स्मॉल टाउन्स एंड ऑल, बिकॉज उनका अभी भी ईमान धर्म जिंदा है। दे बिलीव इन टेस्ट, दे बिलीव इन क्वालिटी, बट इफ यू गो टू हायर लेवल होटल्स, दे जस्ट टॉक अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी में वो ये ट्राई करते हैं कि
बस चिकन को बॉयल किया और उसके स्टॉक से बनाया सूप, और जो बचा बाकी उसको उन्होंने मसाले लगाए, नमक मिर्च डाला, हॉट प्यूरी और व्हाटएवर टमेटोज एंड ऑल डाला और आप सबको परोस दिया। दिस इज़ व्हाट यू चेरिश इन मोस्ट ऑफ द होटल्स। इफ यू गो इनसाइड द किचन यू विल रियलाइज व्हाट आई एम सेइंग एंड व्हाट माय गुरुजी शेयर विद मी। मिस्टर विनोद जी, आई सल्यूट टू मिस्टर विनोद जी। रियली यार, आई एम मिसिंग योर चिकन, स्पेशली ऑन द होली डे, होली ईव पे जो हमने चिकन खाया था, आई लव इट। विंटर्स आर अगेन हेयर सर, वी आर वेटिंग फॉर योर अनदर अपॉर्चुनिटी, लेट्स सिट टुगेदर एंड हैव अ चिकन। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के बॉयल आने तक का इंतजार किया जाएगा। तो ये हमारी फाइनल आउटलुक है, और ये फाइनल आउटलुक है एज पर वी आर गोइंग टू हैव राइस चिकन। तो अगर आप इसमें पानी ऐड अप नहीं करना चाहते तो यू कैन हैव दैट वेयर आई हैव डिस्कस एज पर सिंह चिकन एंड टहल सिंह चिकन। उस स्टेज के बाद डोंट ऐड अप द वाटर, इट विल गिव यू द सिमिलर एक्सपीरियंस ऑफ तवा चिकन, बट आई फील दिस इज द बेस्ट वन। आप इसको ढक्कन खोल कर थोड़ा फुल आंच पे चला दें तो पानी उड़ जाएगा और तरी और गाढ़ी हो जाएगी। इट विल बी हाईली बेटर ऑप्शन टू हैव विद परांठा और वट एवर, इनफैक्ट पुदीना परांठा एंड लच्छा परांठा, गाढ़ी गाढ़ी तरी, जिसको आप तवा चिकन कह सकते हैं, दो इट इज़ नॉट अ तवा चिकन। तो दोस्तों, अब मेरी आपसे फाइनल रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड जस्ट हैव अ लुक एंड एट द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस, वेरी नाइस। अगेन मैं जानवी को कहूँगा, देखो इतना उबाला आने के बाद भी उसकी स्किन पील ऑफ नहीं हुई। उसका रीज़न यही है कि वी हैव जस्ट उसको हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया। एज पर हेल्थ कॉन्शियस पर्सन इट इज़ नॉट अ गुड एडवाइस, बट एज पर योर टेस्ट, टंग टेस्ट, इट इज़ बेस्ट वन। आपका चिकन घुला नहीं है, नाउ यू कैन टेस्ट इट। आप कोई भी पीस निकालें, कोई भी पीस यहाँ घुला नहीं आपको मिलेगा, बेस्ट वन। तो एक मैं आपको कोई चेस्ट निकाल के दिखाता हूँ, ये चेस्ट ही है, मतलब अपर थाई पार्ट है। तो आप देखें एज इट इज़ इसमें रेशे नज़र आएंगे, एज इट इज़ इसमें स्लिट्स और कट्स नज़र आएंगे, लेकिन ये घुलेगा नहीं। बट दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से, दिस इज़ माय फाइनल प्रोडक्ट, प्लीज़ लाइक इट, चेरिश इट, एंड दोज हु आर गोइंग टू हैव इट टुडे डिनर विद मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ कमेंट, लाइक इट एंड शेयर इट ऑल्सो। ओके दोस्तों, मिलते हैं एक नई डिश के साथ, होपफुली कमिंग मंथ में, या तो होगा साग या होगा मटन। तो आई विश कि वो कोई वेज डिश होगी, चाहे आपके लिए चीज टोमेटो के ना हो, जो कि जानवी का भी बहुत फेवरेट है। नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू हैव मे बी साग और मे बी चीज टोमेटो। Those who want to wish to have it, please you are requested to kindly comment in the comment box कि आपको साग अच्छा लगता है या चीज टोमेटो। And today we are going to have it this curry chicken with rice. Okay दोस्तों, मिलते हैं आपको किसी नई डिश के साथ
नए वीडियो में। गुड बाय, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, थैंक यू। तो चिकन के साथ आज चिकन सूप ही सर्व किया जाएगा। तो सबसे पहले हमने इसमें 4 कप पानी डाल दिया। उसके अलावा अब हमने इसमें चॉप्ड गार्लिक और जिंजर डाल दिया और चिकन के 3 पीसेस डाल दिए। काफ़ी उबाला आने के बाद अब हमने इसको छोड़ दिया है हल्का सा उबलने के लिए, ताकि जिंजर गार्लिक का भी टेस्ट उसमें ब्लेंड मिक्स हो जाए और चिकन हड्डी से अपना साथ छोड़ दे। उसके बाद अब हम इसको बाद में थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर मिलाने के बाद और सोया सॉस मिलाने के बाद फाइनली सूप को टेस्ट करेंगे और आपके सामने पेश किया जाएगा। जस्ट अ सिंपल थेरेपी, जस्ट ऐड 3 to 4 cups ऑफ वाटर, गिव अ बॉयल फॉर 5 मिनट्स, ऐड चिकन पीसेस, चिकन चंक्स, देन ऐड सम गार्लिक एंड चिली एज वेल एज सम गार्लिक अदरक लहसुन एंड वेट फॉर फ्यू मिनट्स। मैंने इसमें सिर्फ अभी तक नमक ऐड किया है, इसके अलावा सिर्फ सोया सॉस ऐड की है। वी विल एंजॉय एंड चेरिश दिस। मैं हल्का सा इसे हिला देता हूँ एंड डेफिनेटली यू विल लव दिस। इसको धीमी आंच पे उबलने देना चाहिए ताकि जो चिकन है वो पक जाए और हड्डी जो बोन होती है उसका साथ छोड़ जाए। मीन वाइल आई रिक्वेस्ट यू जस्ट हैव अ लुक एट द फाइनल चिकन विच वी हैव प्रिपेयर टुडे, जस्ट वेट अ मोमेंट। तो दोस्तों, ये है हमारा फाइनल चिकन, चिकन करी एज वी आर गोइंग टू टेस्ट इट विद द राइस। और ये हमारा बिफोर दैट चिकन सूप है। इट इज़ बेसिकली एपेटाइजर, इट विल इंक्रीज अवर, जिसे बोलते हैं, ज़्यादा भूख लगेगी। तो इसके अलावा चिकन और ये हमारा एक फाइनल पीस, आई एम गोइंग टू टेस्ट इट। तो देखते हैं कि कैसा होगा, लेट मी स्टेयर इट फॉर द फाइनल टाइम। तो दोस्तों, मैं आपको दोबारा बता दूं कि अभी भी कोई भी पीस हमारा ऐसा नहीं है जो स्किन छोड़ गया हो, एंड इट इज़ वेरी नाइस। फाइनल आउटलुक बहुत अच्छी आई है जानवी, एंड आई हैव ऑलरेडी टेस्टेड द फाइनल प्रोडक्ट। नमक मिर्च बहुत ही अच्छा हुआ है, बहुत नाइस, वेरी नाइस। आई वुड लाइक टू माई फ्रेंड्स, प्लीज शेयर योर व्यूज, प्लीज शेयर द वीडियोज and like my channel NKS Unplugged. So मिलते हैं किसी और नए वीडियो में next week, और finally आपको दोबारा दिखा दूँ कि हमारा chicken soup भी तकरीबन ready होने जा रहा है। Good bye, good night, जय हिंद, जय भारत, bye bye. तो फाइनली दोस्तों, चिकन अपना तैयार है, चावल का फाइनल तड़का लगने वाला है और लग गया है, भाप आ रही है, चावल मैंने ऐड कर दिए हैं और फाइनली जो सूप हमारा चिकन सूप तैयार है। अब जस्ट लिटिल बिट उसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करना है और हमारा सूप, चिकन सूप विल बी रेडी। जस्ट वेट फॉर द फाइनल प्रोडक्ट, बाय बाय। तो अब हमने इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड किया है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके चिकन सूप में डालूंगा एंड इट विल बी फाइनली रेडी। मैंने इसमें सोया सॉस और नमक मिर्च सब कुछ डाल दिया है। नाउ दी ओनली फाइनल थिंग इज कॉर्नफ्लावर, जस्ट वेट फॉर अ सिंगल सेकेंड।
ये इसकी कंसिस्टेंसी थिकनेस बरकरार रखने के लिए होता है। कॉर्नफ्लावर एज यू नो कॉर्न मीन्स छल्ली, छल्ली का आटा, मक्की का आटा, ठीक है जी। तो इसमें हम मिक्स करेंगे तो इससे इसकी थोड़ी थिकनेस और स्वीटनेस बढ़ जाएगी और इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। तो दोस्तों मैंने वैसे इसमें एक कमी छोड़ी है कि मैंने इसे बोनलेस नहीं किया है। तो अभी हम इसको ड्रेन आउट कर सकते हैं, उसके बाद जो चिकन बचेगा उसे बोनलेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसको बटर का तड़का भी लगा सकते हैं। जानवी जी प्लीज पॉज करने के बाद चेक आउट कि अवर फ्रीजर इज हैविंग स्टॉक ऑफ बटर और नॉट। अगर बटर है तो लेट्स ड्रेन आउट फर्स्ट। So, this is our final chicken soup। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें सिर्फ हमने 4 कप पानी डाला, चिकन डाल दिया बॉयल के लिए और इसके अलावा अदरक लहसुन डाला है और फाइनली हमने नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले कुछ डाले हैं और सोया सॉस के साथ एंड में हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। Now this is ready to eat and now I am having it and tasting it. My friends too is cherishing it. Very nice. Let me have a final taste. Wow! अदरक लहसुन ने तो बहुत ही अच्छा blend और taste दिया है। जिसको जुकाम हो, गला खराब हो, वो तो पक्का ले। इससे बेटर और बेस्ट मेडिसिन हो ही नहीं सकता। वंडरफुल सूप, लॉट ऑफ स्टॉक इन अवर फ्रिज रेफ्रिजरेटर टुडे आउट ऑफ दिस। सो एनीबडी हु इज हैविंग अ सोर थ्रोट कैन विजिट माय प्लेस एंड हैव इट। थैंक यू, गुड नाइट, लेट्स एंजॉय इट। बट प्लीज वेट, नाउ आफ्टर सूप वी विल हैव अ चिकन करी अलोंग विद राइस, दैट टू इज गोइंग टू बी वंडरफुल। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। तो ये है हमारे फाइनली चिकन राइस, चिकन करी राइस, वेरी नाइस एंड डिलीशियस। लेट मी टेस्ट इट फर्स्ट ऑफ ऑल। वाह जी वाह, जय माता दी, वंडरफुल चिकन, व्हाट अ रियली नाइसली कुक्ड चिकन। देखो बिल्कुल एंड हाथ लगाए से ही घुलता है, वैसे उसमें से एक भी पीस नहीं घुला। यू जस्ट हैव अ लुक, मतलब वेरी नाइसली कुक्ड। तो दोज हु हैव चेरिश दिस चिकन एंड राइस टुडे दे शुड अप्रिशिएट दिस इन कमेंट्स। एंड लेट मी टेस्ट अगेन, गरम बहुत है। वाह, वेरी नाइस है। चिकन तो मुंह में ऐसे घुल रहा है, मतलब परफेक्टली कुक्ड है। आई एम जेलस ऑफ एनकेस यार, सीरियसली। अब अच्छे बने हैं तो बोलना ही पड़ेगा, इन केस यू आर ग्रेट। सो होपफुली यू एंजॉयड टुडेज माय रेसिपी एज वेल एज कुकिंग स्केड्यूल। सो थैंक्स फॉर द टाइमिंग। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, बट मैंने एडिटिंग के टाइम भी बहुत कोशिश करूँगा, बट ये छोटा हो नहीं पाएगा। इफ़ आई वॉन्ट टू शो यू स्टेप बाय स्टेप
वी कैनॉट डिडक्ट इट, नथिंग टू बी, जिसको बोलते हैं भाई कैंची नहीं चला सकते। ये अमिताभ बच्चन की फिल्म नहीं है, किसरा अमिताभ बच्चन का रोल आएगा, मिथुन चक्रवर्ती और मीनाक्षी शेषाद्री और वट एवर द पर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट गंगा यमुना सरस्वती, सबका रोल काट दो। सो भाई साहब इसमें अदरक लहसुन इवन एक ग्रीन चिलीज का भी बहुत सा ब्लेंड और टेस्ट है। एवरीबडी हैज़ गॉट अ रोल, सो वी नीड टू रिस्पेक्ट देयर रिस्पेक्टिव रोल। कैनॉट कैंची नहीं चला सकते भाई। थैंक्स एंड गुड नाइट, गुड बाय, शब्बा खैर, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो में, होपफुली विद द वेज एंड दैट मे बी चीज टोमेटो और साग। बाय बाय, गुड नाइट, गुड बाय।